हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने फिनोल बनाने की विधियां पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। और फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं, मतलब OH समूह यानी फिनोल की अम्लीय प्रकृति। फिनोल की अम्लीय प्रकृति, तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना है कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति में क्या होता है। तो देखो, फिनोल की अम्लीय प्रकृति में क्या होता है कि फिनोल हमारे पास ये होता है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं फिनोल की अम्लीय प्रकृति के कारण क्या है, क्योंकि फिनोल जो होता है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता ही क्यों है। तो अपन एक बार फिनोल का डायग्राम बनाते हैं, यानी फिनोल की स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है, ये फिनोल है। तो फिनोल में क्या होता है कि फिनोल में जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होते हैं और ये लॉन पेयर इस पाई बंद के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिससे क्या होता है, ये लॉन पेयर अनुनाद में भाग लेंगे। अब भाग लेंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये और ये जो कार्बन ये होता है, ये sp2 संकृत कार्बन होता है, इसकी विद्युत ऋणता वैसे ही ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें फिनोल की, तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर क्या देगा, रिंग में दे देगा। जैसे ये रिंग में देगा तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ गया, प्लस। और जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस OH बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये H प्लस के रूप में आसानी से रिलीज कर देगा। इसलिए जो फिनोल होता है उस फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है। तो फिनोल का रेजोनेंस आप कैसे शो करोगे, ये इधर रिंग, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन H और ऑक्सीजन पे ये प्लस चार्ज। नेक्स्ट क्या बनेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव यहाँ आएंगे, तो क्या बनेगा, रिंग, ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ये H। नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर ऑक्सीजन H, ये पाई बॉन्ड। तो हमने अभी ये जो देखा, ये फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी। इस फिनोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हमने ये पता चला कि जो ये लॉन पेयर हैं, जब ये अनुनाद में भाग लेते हैं तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्लस चार्ज की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H के बंद अपने OH बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इस H प्लस को आसानी से रिमूव कर देगा। इसलिए फिनोल जो है वो अम्लीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा रीजन्स ये है कि जो फिनोल है, ये फिनोल अपना H प्लस डोनेट करके, अगर इसमें से H प्लस आप रिलीज कर दो तो ये क्या बना देगा, एक आयन बनाएगा ऑक्स नेगेटिव चार्ज, और ये जो ऋण आयन बना इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। और ये जो फिनोक्साइड आयन है, इसकी अनुनादित संरचनाएं इस फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो भाई कोई भी H प्लस डोनेट तभी तो करेगा जब वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर जाए, यानी कोई भी H प्लस डोनेट करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिड ही हो जाएगा। तो फिनोक्साइड जो आयन है, इस फिनोक्साइड की आप क्या बनाओगे, अनुनादी संरचनाएँ। तो फिनोक्साइड में अनुनादी संरचनाएँ जब हम बनाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज होता है फिनोक्साइड पे, और ये क्या है, लॉन पेयर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिकोलाइजेशन होता है रिंग के अंदर, तो ये नेगेटिव जो चार्ज है इसका विस्थानीकृत होगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया, ये माइनस आया, ये पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या बनेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, रिंग, ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, रिंग, ये नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे डबल चार्ज आ गया, ये रिंग, और ये फिनोक्साइड आयन की अनुनादित संरचनाएं बन गई। तो फिनोल में और फिनोक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हम देखते हैं, तो फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं होती, क्योंकि इसमें आवेश का पृथक्करण नहीं होता। आवेश का पृथक्करण मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिकोलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर इसका डिस्टेंस बढ़ गया, फिर इसका डिस्टेंस कम हो गया, यानी यहाँ पे आवेश का पृथक्करण होता है फिनोल में, जबकि फिनोक्साइड आयन में केवल और केवल नेगेटिव चार्ज
पूरी रिंग के अंदर डिक्लाइजेशन होता, पॉजिटिव चार्ज का कहीं रोल नहीं होता, इसलिए फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। यही रीजन्स हैं कि जो फिनोल होता है वो अम्लीय प्रकृति को शो करता है, और फिनोल की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल कभी भी अगर क्षार के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, जैसे मैंने फिनोल की रिएक्शन किससे कराई, NOH के साथ, तो अगर इसकी अम्लीय प्रकृति है और ये क्षार है तो लवण बनना चाहिए, और जब प्रैक्टिकल हुआ और देखा तो ये बनाता है सोडियम फिनोक्साइड और प्लस H2O क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो ये सोडियम फिनोक्साइड। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये सारी फिनोल की अम्लीय प्रकृति को शो करती है। क्लियर है? तो ये है फिनोल की अम्लीय प्रकृति। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। मतलब क्या पढ़ेंगे? फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना, यानी हम इसमें अब ये देखेंगे कि एल्कोहल और फिनोल में कौन अधिक अम्लीय होता है। तो देखो क्या होता है कि फिनो एल्कोहल जो होता है, इस एल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप होता है वो OH बंद से कनेक्ट होता है, और इस एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगता है, और हम ये तभी तो कहेंगे कि भाई ये H प्लस जितना जल्दी रिलीज हो जाएगा तो उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। इस ऑक्सीजन पर, ये ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, मतलब ये देगा तो ऑक्सीजन इस H प्लस को आसानी से रिमूव करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो एल्कोहल होते हैं वो दुर्बल, बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि फिनोल में जो OH होता है ये sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, और sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अनुनाद में क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, और प्लस चार्ज जब आता है तो ये ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेता है और ये प्रोटॉन त्याग देता है, जिससे फिनोक्साइड आयन बनता है। तो ये रिंग, तो फिनोल जो है वो अपना H प्लस त्याग देगा और क्या बनाएगा, फिनोक्साइड आयन। जबकि एल्कोहल जो है वो H प्लस त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, तो फिनोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड जो आयन है, तो फिनोक्साइड जो है इसमें रेजोनेंस होता है, यानी अनुनाद होता है, इस अनुनाद के कारण ये ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि एल्कोक्साइड कम स्थायी होता है। इसीलिए जो फिनोल होता है वो अधिक अम्लीय होता है देन किससे, एल्कोक्साइड आयन से, और फिर आपको फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएँ शो करनी है। ये रिंग, ये नेगेटिव इधर, ये इधर, क्या बनेगा रिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिक्लाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, चार्ज नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्या बनेगा रिंग, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ चार्ज नेगेटिव, ये सी डबल बॉन्ड ओ रिंग। अब इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होंगे, उधर ये शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड जो बनेगा यहाँ चार्ज क्या जाएगा माइनस, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिमूव मतलब शिफ्ट होंगे, तो ये आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, तो ये फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फिनोल और एल्कोहल पढ़ते तो फिनोल अधिक अम्लीय होता है देन किससे, एल्कोहल से, और ये हम क्या लिख रहे हैं, अम्लीय प्रकृति। क्लियर है? तो ये फिनोल तथा एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की हमने क्या कर दी, तुलना कर दी, कि फिनोल से फिनोल अधिक अम्लीय होता है एल्कोहल से। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो देखो फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव होता है, तो वे सभी कारक
जो फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ाएंगे वो सभी फिनोल की अम्लता को भी बढ़ाते हैं। तो फिनोल की जो अम्लता है, तो अम्लता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गई माइनस आई के अपॉन प्लस आई के माइनस आर के प्लस आर। अच्छा, ये माइनस आर लिख सकते हो या माइनस एम या प्लस आर या प्लस एम। प्रोपोर्शनल टू होगा वन अपॉन पी के ए के, प्रोपोर्शनल टू होगा के ए के, वन अपॉन के बी के, प्रोपोर्शनल टू होगा पी के बी के। तो ये अम्लता लिखी मैंने, किसकी अम्लता? कोई भी एसिड हो, फिनोल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये उसकी अम्लता का क्रम ये होता है। और जो प्लस आर है वो प्लस आर किस किस के होते हैं? ओ एच ओ आर के हैं, एन एच टू है, सी एल है, बी आर है, आयोडीन है, ओ सी ओ आर है, ये सब प्लस आर शो करते हैं। तो माइनस आर कौन शो करते हैं? एन ओ टू है, सी एन है, एस ओ थ्री एच है, सी एच ओ है, सी डब्ल्यू एच है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पी एच, ये सब माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हम फिनोल की अम्लता देखते हैं कि इसके, जैसे मैंने क्वेश्चन ये लिया कि ये मैंने रिंग बनाई, एक तो फिनोल लिया मैंने सिंपल, एक रिंग ली ओ एच सी एस थ्री रिंग, ये सी एस थ्री मेटा पे लगाया मैंने, ये सी एस थ्री पैरा पे लगाया। तो देखो इनकी अम्लता का क्रम हमें लिखना है, ये वन है, ये टू, ये थ्री और ये फोर। इसको फिनोल बोलते हैं, इसको ऑर्थो क्रिस्टल, ये मेटा क्रिस्टल और ये पैरा क्रिस्टल। तो देखो सी एस थ्री जो होता है उस सी एस थ्री का क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट। इस सी एस थ्री का भी क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट। सी एस थ्री का क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट। एक बात और याद रखना कि जो आर इफेक्ट होता है वो हमेशा ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगता है, कभी भी मेटा पोजिशन पर आर का इफेक्ट नहीं लगता, जबकि आई का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो मेटा पैरा पे लगता है, और सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे लगेगा, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। तो ये ऑर्डर याद रखें। अब देखो यहाँ इन तीनों में से ये प्लस आई, ये प्लस आई, भैया इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे तो ये एच प्लस आसान, भैया इसको देगा, ये इसको देगा, तो ऑक्सीजन को प्लस प्लस आएगा ही नहीं, तो ये एच प्लस को रिमूव करेगा नहीं। इट मीन्स सबसे कम तो एसिडिटी किसकी और सबसे ज़्यादा किसकी, पहले तो आप ये फिक्स किया करो। तो सब ये प्लस आई वाले हैं, तो सबसे भाई एसिडिटी किसके इन्वर्सली होती है? प्लस आई के, जिसमें प्लस आई होगा उसकी अम्लता कम होगी, तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब एक नंबर की तो अम्लता सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? फिर आप देखो ये प्लस आई ऑर्थो पर पैरा पे, ये प्लस एच भी देगा और ये भी प्लस एच देगा, मेटा पे को देगा ही नहीं। तो सेकेंड जो है ये प्लस एच और आर डोमिनेंट होता है एच पर, यानी रेजोनेंस हाइपरकॉन्जुगेशन पर डोमिनेंट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो सबसे पहले आर देखा करो कि आर कहाँ है, नहीं आर नहीं है तो एच, एच है इसमें एच, इसका मतलब इन दोनों की अम्लता कम होगी देन इससे। तो नेक्स्ट जो आएगा वो किसकी आएगी भाई? सबसे ज्यादा प्लस आई किसका हो गया? ये सी एस थ्री का है, ये सी प्लस आई है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ है? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इसमें सब मेटा पोजिशन का आएगा सबसे ज़्यादा, अब थ्री नंबर पे, तो वन थ्री आ गया। इसके बाद किसका होगा? फिर पैरा पोजिशन का होगा, और फिर टू नंबर का। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, फिनोल है, फिर मैंने एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लिया ओ एच NO2, फिर मैंने रिंग ली OH, एक NO2 इसमें लगाया, एक NO2 और लगाया, एक रिंग लिया, तो देखो इस NO2 का माइनस आई भी लगता है, माइनस आर का भी, इसका भी माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस आई, माइनस आर, माइनस आर, माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस। तो एक सिंपल सी बात है, जिसमें जितना ज़्यादा माइनस आएगा उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। तो यहाँ कुछ है नहीं, तो सबसे ज़्यादा किस कितने नंबर की होगी? चार नंबर की अम्लता होगी, फिर तीन नंबर की, फिर दो नंबर की, फिर किसकी होगी? एक नंबर की। तो इस तरह हम अम्लता चेक कर सकते हैं कि अम्लता किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये है फिनोल और उनकी अम्लता का ऑर्डर। एक आते हैं नेक्स्ट
रिंग है, OH है, रिंग है, OH है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, एक आपके पास मेटानाइट्रोफिनोल है, एक आपके पास पैरानाइट्रोफिनोल है। तो सबसे कम तो एक नंबर की हो गई। तो इनमें से हम क्या क्या करेंगे, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ लगेगा, एक वो चेक करेंगे, एक माइनस आर, माइनस आर, माइनस। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई, तो सबसे ज़्यादा होनी किसकी चाहिए, दो नंबर की। फिर किसकी होनी चाहिए, तीन नंबर, क्योंकि आर भी तो है इसमें। और फिर किसकी होनी चाहिए, ये चार नंबर की है, तीन और एक। लेकिन करेक्ट ऑर्डर ये नहीं होता। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अंत अणुक हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंधन। इस अंत अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण यह हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ था। और ऑर्डर क्या आ जाता, सबसे ज़्यादा हो जाती पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की, और सबसे कम सिंपल की। तो करेक्ट ऑर्डर ये है एसिडिटी का। क्लियर। तो ये फिनोल की अम्लता प्रतिस्थापियों का प्रभाव कंप्लीट है।